कॉफी टेस्ट करेंगे। कॉफी बहुत थका हुई हुई है तो इसमें अभी थोड़ी कॉफी टेस्ट करते हैं। कॉफी हमने कम डाल दी है इसमें, तो कॉफी डालने फिर मैं तुम्हें पक्का रिव्यू दूंगा, अभी कॉफी कम है इसमें। चलो अस्सलाम वालेकुम, तो इंट्रो करते हैं। हम लोग जी वी आर बैक एक अनदर व्लॉग। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के, ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं आज। अभी फिर दुकान पे जाना पड़ रहा है मुझे, मगर अभी नहीं जा रहा है, मैं थोड़ा लेट जाऊँगा क्योंकि मैंने नहाना वगैरह है। तो अभी पहले चलते हैं सामान वगैरह लेकर आते हैं, फिर नहाते वगैरह फिर दुकान पे जाना है। फिर दुकान पे मैं आज मैं एक काम की चीज़ बताऊंगा, और दूसरा चैनल भी मैं बना रहा हूँ जिस पर मैं जो जो मैंने अपना फ्रीलांस के बारे में सीखा है वो मैं सब सिखाता जाऊँगा। फ्रीलांसिंग जो जो मैंने सीखा है, जिन जिन से मैं पागल बना हो रहा हूँ, सब बता दूंगा मैं आज ना, तो दूसरे चैनल पर। मगर मैं तो अभी वहाँ पर चलते हैं, फिर मैं तुम लोगों को सब कुछ बताऊँगा। तो हम करेंगे मास्टर अफदर की ना, ये पता नहीं कैसे करता है मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं सही से पहले देख लूँगा फिर करेंगे। तो हम फिर डक्की भाई वाला इंट्रो स्टार्ट करते हैं। हेलो जी वी आर बैक इन अनदर व्लॉग। तो क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? तो बस चलो अभी सामान लेकर आते हैं, फिर नहाते हैं। चलो हेलो जी, अभी मैंने शाहरुख खान की ना चेन्नई एक्सप्रेस तुम लोगों ने देखी होगी, वो देख रहा था। तो चेन्नई एक्सप्रेस में तुम लोगों ने वो वाला सीन देखा होगा, ये एक घंटे के बाद ही आता है। तुम लोग चले जाओ यार, पहले शोर इतना करते हो, पता नहीं कौन कौन सा सिलेंसर बंदा है भाई, सादा सिलेंसर लगवा ले दो। तो चेन्नई एक्सप्रेस में तुमने वो वाला सीन देखो। अभी बहुत दिन चल रहा है और मुझे इतनी कोई हंसी आ रही थी ना चेन्नई एक्सप्रेस में, मैं वैसे बैठा हुआ था, मैंने क्या करूँ यार, नेट भी नहीं चल रहा। तो मैं वो देख रहा था, अभी मैं तुम्हें वो सीन दिखाता हूँ। तो वो सीन इसलिए तुम लोगों को मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बाहर से ना बहुत तेज़ फोकस पड़ रहा है। तो जब मैं LCD अब मेरी ना उस साइड पर लगी हुई है सामने की तरफ ना, जब मैं LCD की तरफ कैमरा कर रहा हूँ ना, तो कैमरा में कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल ब्लैक हो जा रहा है क्योंकि सामने तो बहुत तेज़ फोकस पड़ रहा है और सामने ही सूरज निकला हुआ है। तो बहुत ही कोई तेज़ सूरज निकल रहा है, तुम लोग शोर करते रहो पहले ना, माफ करें जो भाई। तो बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है, मगर तुम लोग ये सीन लाजमी देखना, जो शाहरुख खान जब वहाँ क्या बोलते हैं दीपिका पादुन से लड़के आ रहा होता है, तो वो एक जंगल से आ रहा होता है, जब यूँ वो बच्चा मिलता है यूँ यूँ कर रहा होता है, बोलता आयो। तो भाई लोग मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, तुम लोग लाजमी ट्राई करना, बहुत मजे की। जिसने नहीं देखी ना पहले भी, अगर मैं दूसरी मरतबा देख रहा हूँ, जो पहली मरतबा देखेंगे ना मैं बता रहा हूँ। पर एक शाहिद कपूर ये वाली छुप छुप के वो भी बहुत मजे की है। मैंने बोला वो बोला, अबे मैंने तूने, अबे मैं भूल गया वो वाला सीन, वो भी बहुत मजे का है। जब बांडिया उसके साथ आ रहा होता है, नाम भूल गया मैं उसका यार, जब वो आ रहा होता है, मैंने बोला कि वो बोला, अबे तूने तो बोला कि वो बोला, मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला वो बोला। ओए इधर आ तू, ये क्या कह रहा है, तूने बोला, मैंने ये नहीं बोला कि ये बोला, मैंने बोला कि वो बोला। ये वाला सीन बहुत मजे का है, मुझे पता है तुम लोगों को, मेरे पास मेरे को बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मतलब तुम लोगों को सुनते हुए अच्छा नहीं लगेगा, मगर तुम जब देखोगे ना, राजपाल यादव, तो फिर राजपाल यादव है ना, उसकी तो एक्टिंग की एंड एक्टिंग होती है। राजपाल यादव की जितनी भी मूवीज है ना, बेस्ट ऑफ बेस्ट, हर मूवी में ऐसा ऐसा कोई क्लाइमेक्स आता है, ऐसा कोई शॉट आता है जिसमें आपको बहुत हंसी आती है। बस यार लेजेंड है वो, एक राजपाल यादव नवाजुद्दीन एक्टिंग में, जैसे गैंग ऑफ वासीपुर में, जैसे कि नवाजुद्दीन गैंग ऑफ वासीपुर में, बाप का दादा का रे सबका बदला रहेगा तेरा फैजल, फैजल फैजल हाँ फैजल कहता है वो। ये राजपाल यादव तो मुस्लिम नहीं है, मगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो मुस्लिम है। बाकी साहब वो क्या बोलते हैं, बॉलीवुड में जितने भी मुस्लिम है ना, वो अच्छा ज़्यादातर मुस्लिम जो है ना बहुत फेमस है बॉलीवुड में, सलमान खान शाहरुख खान आमिर खान कितने फेमस है, ये किंग है, ये बॉलीवुड के बॉलीवुड किंग है। पाकिस्तान इंडिया में ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है जिसके बर्थडे बुर्ज खलीफा में फ्री में मनाई जाए, और दुबई का सबसे महंगा होटल जो है वो शाहरुख खान को फ्री में मिलता है, एक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को मिलता है और एक शाहरुख खान को, इतनी वैल्यू है कि मुस्लिम होगी ना। तो इंडिया के ये कुछ मुस्लिम हैं जिन सबसे पहले तो हम सलमान खान को ले लेते हैं, फिर शाहरुख खान, फिर आमिर खान तो फिर हिट मूवियाँ हैं ना उसकी सारी, टाइम बाद मूवी आती हैं मगर सबसे ज़्यादा हिट आमिर खान की आती हैं।
और आमिर खान में भी कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ बुराइयाँ हैं, शाहरुख खान में भी। तो चलो बस मेरा ये रिव्यू था, तुम लोग ये जितनी जितनी आवाज़ुद्दीन और क्या बोलते हैं राजपाल यादव की लास्ट भी दोनों मूवियाँ देखना, गैंग ऑफ वासीपुर तुम लोगों को एंड लेवल का मजा देगी। अगर गैंग्स देखनी है ना फाइटिंग तो गैंग ऑफ वासीपुर एंड मजा देगी, और शाहरुख खान की ये क्या बोलते हैं चेन्नई एक्सप्रेस लाजमी देखना है, तुम्हें फनी लगेगी। और राजपाल यादव उसमें शाहिद कपूर होता है उसकी वो वाली चुप चुप के ओए होए एंड लेवल मूवियाँ हैं ये, मैंने तुम लोगों को बता दी है। ऐसे तो तुम्हें पता ही होगा क्योंकि बहुत पुरानी मूवी है, मगर देखना लाजमी, अगर नहीं देखी और देखी हुई है तो फिर देखना। अच्छा वो चुप चुप के में एक ये कहानी है कि आप 10 मरतबे भी देख लोगे ना आपको कोई ना कोई नई चीज़ मिलती रहेगी और हंसोगे लाजमी आप। तो बस अब यहीं पर करते हैं, बहुत लंबा कर दिया है मैंने, तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है लंबा हो गया। तो चलो तो भाई खैर खैरियत के साथ घर पे आ गया था, और मैंने अभी चीफ सादत भाई की मैंने ऐसी आई थिंक ऐसी कुछ करके उनका नाम है, तो उन्होंने एक कॉफ़ी की बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है उन्होंने, मगर वनीला वनीला का फ्लेवर कोई बात बता रहे थे, वो फ्लेवर हमें नहीं मिला, मैं चेक कर कर आया था। तो अभी बिल्कुल उन्हीं की तरह कॉफ़ी बनाते हैं और मैं तुम लोगों को कॉफ़ी बनाना सिखाता भी हूँ, ठीक है, आई एम अ चीफ। तो चलो अभी कॉफ़ी बनाते हैं और मैं तुम लोगों को बता दूँ कि कैसे बनती है। पहले तो आपने थोड़ा सा वाटर ले लेना है वो हीट होने के लिए कि वो बॉयल हो जाए थोड़ा सा, बस बिल्कुल थोड़ा सा, कि आप उसको मिक्स करते हुए कॉफ़ी को आप वो वाटर वाटर डाल सको। वनीला नहीं है, नहीं है हमारे पास, हम वाटर का काम चला देंगे, और बाकी मैं तुम लोगों को बनाते हुए दिखाता हूँ। आ जाओ, बिल्कुल थोड़ा सा पानी लिया है मैंने, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल देखो कितना सही, मगर ये पानी भी मेरे इस्तेमाल में नहीं है, बिल्कुल एक चम्मच के हिसाब से 1 स्पून मेरे इस्तेमाल में आना है, तो मैं वही इस्तेमाल करूँगा। अभी इसको पहले हीट होने दो, बाकी कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं। पता सिर्फ आपने 1 स्पून कॉफ़ी लेनी है, तो अभी हम इस पर 1 स्पून कॉफ़ी डालते हैं फिर मिक्स करते हैं। शुरू कॉफ़ी बहुत है, 1 स्पून भी हम पूरा नहीं ले रहे क्योंकि मैंने अकेले पीनी है, अकेले के लिए बनानी है, तो इतनी कॉफ़ी बहुत है। चलो ये डालो, अभी पहले 1 स्पून हीट वाटर ले ले, अभी इसको पहले इधर रख देते हैं, फंस गई। 1 स्पून ये हीट वाटर आ गया, अभी हमारे पास वनीला नहीं है तो हम 1/2 स्पून और ले लेंगे, क्योंकि वनीला वो लिक्विड पे था तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा बताया। तो अब चलो पहले इसको सही से मिक्स कर लेते हैं, फिर मैं तुम लोगों को दिखा दूँ। तो ना एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, इसमें आपने उस टाइम तक के आपने इसको मिक्स करते रहना है कि जब तक के कलर चेंज ना करे, और आपने शुगर जो है आपने आपने हिसाब से डालनी है कि आप कितना शुगर लेते हो। मैं तो 1/2 स्पून 1/1 स्पून ले लेता हूँ, मेरे लिए ये बहुत है क्योंकि मैं इतना कोई हैवी शुगर नहीं पीता, तो 1 स्पून बहुत है हमारे लिए। तो चलो शुगर मिक्स करके इसको फिर सही से हल करते हैं, फिर भी थोड़ा सा हैवी ले रहा हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत है, मगर चलो कोई बात नहीं। चलो आप मिक्स करते हैं, जब तक कि हमने इसको घुमाते रहना जब तक कि अपना कलर चेंज ना करे। ये देखो दिख रहा है तुम्हें, ये चीनी है, चीनी पर रंग पकड़ लेगा, अगर गौर से दिख रहा हूँ ना तुम लोगों को, क्योंकि चीनी पर चढ़ रहा है सब कुछ, देख रहे हो सारी चीनी पर ये कलर आ गई। वाह भाई वाह, हमें चलो फर्स्ट एक्सपीरियंस भी हो गया। तो चलो अभी इसको सही से पहले हल कर लेते हैं, फिर मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। मैं आपको एक और चीज़ बोलता हुआ, इसको आपने उस टाइम तक हल करना है जब तक कि ये पूरा झाग की तरह ना बन जाए, कम से कम 20 मिनट 15 मिनट आपने इसको हल करते रहना है, मिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। जैसा कि मैंने वीडियो में देखा है, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, जो हम लोग कॉफ़ी तैयार करते हैं ना वो बिल्कुल कोई चेंज तरीका, तो ये मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, और बस अब इसको बनाएंगे और मैं तुम लोगों को डायरेक्ट दिखाऊंगा ये शक्ल। इसने अपना कलर तो चेंज कर लिया है, वैसे कलर चेंज कर लिया, वनीला नहीं है हमारे पास, चलो कोई बात नहीं, मगर कल सुपरमार्केट ही आके लाजमी वनीला लाएंगे और वो वाली भी ट्राई करेंगे, और फिर मैं तुम लोगों को टेस्ट बताऊंगा उसका भी और इसका भी। अब इसको मिक्स करते हैं सही से, पिछले 20 मिनट हो गए और मैं इसको बस मिक्स करे जा रहा हूँ, और ये देखो दिख रहा होगा तुम लोगों को, ये अभी तक के भाई झाके नहीं बन रहे, पता हाथ में तुम्हें कोई दर्द हो गया है ना, क्योंकि स्पून बड़ा मिला नहीं है, वो छोटा स्पून मिला नहीं, और बड़े स्पून से मैं कर रहा हूँ, बट नॉर्मल वाले स्पून जो होते हैं जिससे हम खाना वगैरह खाते हैं, हाथ पे दर्द हो गया। तुम लोग भाई बोतल में डाल के तुम लोग शेक करके ये लोग मिक्स कर लेना, ये नहीं करना, बड़े मेहरबानी तुम लोग, क्योंकि भाई हाथ में दर्द हो गया, या फिर वो शेकर का वो होता है ना एक मशीन वाला, वो कप में लगा दो घूमते रहते, वो बेस्ट है, स्पून से कभी नहीं करना, बहुत दर्द हो रहा है, उंगलियां सुन हो गई हैं मेरी मिक्स करते मरते। 20 से भी ज़्यादा मिनट हो गए, अब जाके इसने ये कलर कलर वगैरह चेंज करा है, और ये अब आया है कि झाग बन जाएंगे, इसमें अभी भी
10 मिनट लगेंगे इसको मिक्स करने में, तो अभी इसको परफेक्ट मिक्स करते हैं, फिर मैं तुम लोगों को मिलता हूँ। फाइनली पूरे पूरे आधे घंटे की बात बालों को इग्नोर करने, ये मेरा जी भी वो हो गए मेहनत कर करके, तो पूरे 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 आधे घंटे बाद इसके ये लुक आया है कि अब ये झाग बन गई है पूरी ना, ये देखो झाग बन गए। तो अभी पहले दूध को थोड़ा सा नीम गर्म कर लेते हैं, मैंने कब से करा हुआ है 30 मिनट्स अगो, तो अभी पहले उसको वापस से थोड़ा सा ना नीम गर्म करते हैं, फिर इसमें डालते हैं, फिर मैं तुम लोगों को टेस्ट बताऊंगा और थोड़ा सा और इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि सही से हुई है, मगर फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं जब तक दूध नीम गर्म गर्म हो रहा है, नीम गर्म गर्म हो रहा है। देखो क्या क्या बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ जो है ना, आवाज़ क्या बोल रहा हूँ, आगे पीछे हो जाता हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, अब दूध को थोड़ा सा नीम गर्म करते हैं और कॉफ़ी मिक्स करते हैं, मिक्स मिकस मिकस। चले कुछ हो चुका है, अभी दूध नीम गर्म हो रहा है, दूध नीम गर्म हो रहा है, फिर इसको थोड़ा सा डालते हैं दूध, क्योंकि झोंक में भी झाग, दूध में भी झाग बनाना है और कॉफ़ी, आओ कॉफ़ी पहले कप वगैरह में डालते हैं, फिर दूध बस हो ही गया, अब इसमें झाग वगैरह बनाते हैं फिर। चले ये कप आ गया, दूसरा ले लेते हैं आपका, तो वहाँ जो किया गया, अब इसमें से हमने डालना है। अबे देखो इतनी, ये मेरी बहुत मेहनत है भाई, हाँ बड़ी मेहनत करी है मैंने इसमें, चले जा भाई। चलो बस अभी पहले दूध में झाग बनाते हैं, सब कुछ तैयार है और अब इसको हम डालते हैं, ये झाग देख लो झाग, हम इसको डालते हैं कप में अपने, मेहनत तो करिए, अच्छा जायका हो, मजा आ जाएगा अगर इसमें अच्छा जायका आ गया ना हमें, फिर हम अपनी फैमिली के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो अभी चूल्हा बंद कर देते हैं बस, अब इसमें उन्होंने बोला था कि थोड़ी सी ऊपर से आप और डाल देना, चले जा भाई। इसी से मिक्स कर देते हैं बस, लक तो बड़ी मजे की रही है, बस मजा आ जाए पी के ना, चस से आ जाए चस से। चलो अभी उसको मिक्स करते हैं, तुम्हें रिव्यू देते हैं डायरेक्ट। हमारी पूरी कॉफी तैयार हो गई, व्हाइट कलर का पूरा रिव्यू आया है हमारा, अच्छी हो। 1 2 3 क्या बताओ तुम लोग, बिल्कुल बेकार, नहीं नहीं हम इसको देंगे 10 out of 5, मगर इसमें कॉफी टेस्ट करेंगे, कॉफी बहुत हकम हुई हुई है, तो इसमें अभी थोड़ी कॉफी टेस्ट करते हैं, कॉफी हमने कम डाल दी है इसमें, तो कॉफी डालते हैं फिर मैं तुम्हें पक्का रिव्यू दूंगा, अभी कॉफी कम है इसमें। चलो चलो, मैंने इसमें ना थोड़ी सी और कॉफी डाल दी है, मगर कलर वही है, कोई बात नहीं, अब ट्राई करते हैं अब क्या रिव्यू है। क्या बोलूँ मैं, क्योंकि हमने उसमें कॉफ़ी कम कर दी थी ना, तो हमें सारा टेस्ट सारा दूध का आ रहा था, अभी कॉफ़ी डाली है ना, अब जो परफेक्ट पॉइंट दे रहा हूँ मैं, ये झूठ नहीं बोलूँगा, कॉफ़ी जो है परफेक्ट बनी है। चौधरी अब्दुलरहमान भाई, बड़ा शुक्रिया आपके इस उसका बना इसका बताने का, इस तरीके की कॉफ़ी का, और चीफ सादात सादात ऐसी कुछ करके नाम है, फुल फुल क्रेडिट उनको जाता है, मज़े की बनी है। अच्छा, और ये याद रखना है कि एक कॉफी एक ही कप में डालना है, कम नहीं करना, फिर मेरी तरह टेस्ट खराब हो जाएगा, हम सीधा हाथ में कैमरा पकड़ लेते हैं, तो मेरी तरह वापस तुम लोग भी टेस्ट खराब करोगे, तुम्हारे भी ये 10 out of 5। अब हम इसको देंगे 10 में से 9%, क्योंकि अच्छी बनी है, और तुम लोगों के साथ 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 एक सिप और लेते हैं। चलो तुम्हें नहीं बता सकता मैं, कहीं जाकर तुमने 200 रुपये जाया करने से अच्छे तुम लोग 30 रुपये के एक शाशे में बेहतरीन कॉफी बना सकते हो, बेहतरीन जिसे कहते हैं ना, खुद खुद जो आप जब इंसान अपने हाथ से खुद बनाता है ना, तो टेस्ट उसका नहीं भी अच्छा होना, मगर इसका टेस्ट अच्छा है, तुम लोग समझोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर इसका टेस्ट अच्छा है, तुम लोग इस तरीके से ट्राई करोगे ना, तो बहुत मजे की बनी है, लाजमी तुम लोग भी ट्राई करना, बनाने की कोशिश करना, आ जाएगी तुम लोगों को, जैसे मुझे नहीं आती ना, मुझे भी आ जाएगी, क्योंकि आधा घंटा लगा के मैंने उसको हल करा, और हमारे पास कौन सा फ्लेवर, मैं तुम लोगों को पहले बताया था, मैं फ्लेवर का नाम भूली हूँ,
वो फ्लेवर भी लाके कल या परसों के व्लॉग में वो भी ट्राई कर लेंगे, वो भी ट्राई करेंगे। और ये कॉफी अच्छी बनी है, तो अब इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना एक प्यारा सा कि कॉफी तुम लोगों ने बनाई है और तुम लोगों का क्या टेस्ट आया, ठीक है? तुम लोगों ने लाजमी बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में होगा फिर। और मैं हम गलत है, मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि आपका एक टेक चैनल बनाना, कि भाई को टेक के बारे में बहुत नॉलेज है, क्या पता उसमें वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं कुछ बताऊं, उसके बारे में भी मुझे बहुत कुछ पता है। मैंने करा वो कोर्स वगैरह भी मैंने करे हैं उसके। देखो अभी सिर्फ लर्निंग लर्निंग है और स्किल्स गेन करनी है बस, पैसे के पीछे नहीं भागना। अभी जैसे मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है ना, मेरा एक शौक था, जब भी मैं कर रहा हूँ तुम लोगों ने लर्निंग स्किल्स पर फोकस करना है कि आपने सिर्फ सीखना है और जैसी मैट्रिक कंप्लीट हो आपने उन स्किल्स पर फोकस कर देना सारा, कि अब उनसे कैसे अर्न करा जाए। अभी आपने लर्निंग कर ली ना 18th मैट्रिक तक, अभी मेरा जैसे मैट्रिक कंप्लीट होगा ना उसके बाद इंशाल्लाह अर्निंग पे जाएंगे। तो बस अब वापस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह।